गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सुबह के 10 बज रहे हैं और हम आए कायाक करने। हमारे इंस्ट्रक्टर हमें बता रहे हैं किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है समुद्र में कायाक करते समय। यहाँ पता नहीं चल रहा कौन किसे समझा रहा है। तो ऐसा कुछ है पानी के अंदर का नज़ारा आपको दिखाने के लिए। मैंने रिकॉर्डिंग की है अपने एक्शन कैमरा से। आप देख सकते हैं किस तरीके से साफ पानी में मछलियां तैरती हुई। किनारे की तरफ जाने के लिए कायक कर रहे हैं और जब भी भूख लगती है हम अंदर से मछली पकड़ के खा लेते हैं। भूख लगने पर हम पहुंच नहीं पा रहे 10 दिन से। माता जी पीछे देखिए, रिस्क लिया मैंने ममता जी के हाथ में अपने नाव की कमान देखे चला रही है। अच्छा, निराश नहीं करेंगी ममता जी। एक चीज़ बहुत अच्छी है, यहाँ इंडिया जैसा नहीं है। यहाँ आपको इक्विपमेंट देख के बता के छोड़ देते हैं, आप अपना एंजॉय करो, सीखो, कोई सर पर नहीं बैठेगा आपके। बहुत प्यारी चीज़ है यहाँ। ममता जी चला रही है अभी, ट्रांसपेरेंट देखिए आप पीछे कैसे है, मछलियाँ तैरती हुई दिखेंगी। बहुत ही मज़ा आ रहा है। कुछ ऐसा है नजारा, ट्रांसपेरेंट भूत से। फिर हम निकल रहे हैं अपने रूम से, जा रहे हैं स्पा की तरफ। चल के देखते हैं कोकोनट फेशियल स्पा कैसा होता है। इस तरफ से जाना है हमें। दोपहर के 12 बज रहे हैं, इन पेड़ों के वजह से बिल्कुल धूप महसूस नहीं हो रही और इनकी जो सर्विस है
वो इस साइकिल के द्वारा की जाती है यहाँ पे आइलैंड पे। हेलो, ये एक ज़रिया है ये पूरे आइलैंड पे ट्रैवल करने के लिए, बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है। तो यहाँ बिल्कुल गाड़ियाँ नहीं चलती, पेट्रोल पंप नहीं होंगे यहाँ पे, या तो पैदल यात्रा कीजिए या फिर साइकिल पे जाइए। हमें जाना है यहाँ स्पा एंड बुटीक। वैसे मालदीव बहुत एक्सपेंसिव डेस्टिनेशन है, आपने देखा होगा सारा बॉलीवुड यहाँ पे आ रहा था पिछले महीने, क्योंकि बहुत सारे डिस्काउंट्स और ऑफर्स चल रहे हैं इस वक्त। एक चीज़ अच्छी है, जगह जगह पे इन्होंने ऐसे साइन बोर्ड्स लगा रखे हैं कि हमारे जैसे आदमी घूमे नहीं यहाँ पे। अब हम पहुंच गए हैं कोकोनट स्पा, अंदर चल के देखते हैं कैसा है स्पा। थोड़ी देर वेट करना पड़ेगा, सब बिजी हैं एंड थोड़ी देर बाद हम स्पा लेते हैं। यह है गार्डन एरिया, बहुत ही अद्भुत नज़ारा है यहाँ का। ये सारे कमरे हैं जहाँ पे आपको स्पा दी जाती है। वाह, जैसा कि मैंने आपको कहा था बहुत ही ह्यूज प्रॉपर्टी है ये, और थोड़ी देर में जब अंदर जाके स्पा लेते हैं तब देखते हैं अंदर का नज़ारा कैसा है। ड्रोन उड़ाने पे यहाँ पर पाबंदी है, $500 का फाइन है, इसलिए मैं ड्रोन फुटेज नहीं ले पा रहा। आधे घंटे की बॉडी मसाज हो गई है हमारी, अच्छा था, रिलैक्सिंग था एंड को सारे पॉइंट्स पता है एंड या बॉडी पे जो तेल लगा था वो निकाला जा रहा है। हेलो, गुड आफ्टरनून, नाइस। अब हम वेट कर रहे हैं अपने क्रूज ट्रिप के लिए वाटर एक्टिविटी एरिया के यहाँ।
सनसेट देखने के लिए इससे बेहतरीन जगह और कोई हो ही नहीं सकती। ये एक्सपीरियंस भी बहुत बढ़िया रहा। मेरे सामने है माले का एक आइलैंड। आप देख सकते हैं काफी पोल्यूटर है, गाड़ी दिख रही है आइलैंड पे मुझे, बाकी कोई आइलैंड पे गाड़ी नहीं दिखी। रोडवेज है, बहुत सारी नावें खड़ी हैं। कोई शहर है यहाँ का। जिन्होंने भी ये चैनल सब्सक्राइब किया है थैंक यू, जिन्होंने नहीं किया कोई बात नहीं, आराम से कर लेना।